हमारा जो एक जो संस्कृताइजेशन एक तरह से है, जो जिस तरीके से ब्राह्मणिज्म का जो एक कल्चर यहाँ पे था वो हमारे बीच में भी है। वो हम अगर एकदम सीधे रूप में कहें, अभी एक किसी ने कहा कि मैं मतलब जो भी होऊंगा, मेरे फादर मतलब जिन्होंने शादी की वो जाट परिवार से, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं तो यहाँ एक और सवाल खड़ा करती हूँ कि माँ भी तो उसमें है, स्त्री भी तो आई है ना कहीं ना कहीं। आप कहाँ खड़े हैं फिर? क्या आप अपने लिए जो आजादी चाहते हैं, जो अपने लिए जो डी क्लास की आप बात कर रहे हैं, डी कास्ट की आप बात करते हैं, फिर वहां महिलाएं कहां? उन महिलाओं के अधिकार क्या होने चाहिए? क्या जो जो संतान पैदा होगी वो हमेशा सदियों से बाप के नाम से ही जानी गई? और आप देखिए गांव देहात में तो आज भी जब गालियां दी जाती है, मैं इसको बहुत कंडम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो गालियां दी जाती है वो हमेशा माँ के नाम से दी जाती है। इवन गांव में, गांव देहात में जब हम लोग जब पढ़ते थे, और आज भी अगर आप स्कूलों में देख लें, बच्चे को जब मास्टर बुलाता है तो उसकी माँ के नाम से बुलाता है, प्रशंसा तरीके से नहीं बुलाता, उसकी इंसल्ट करने के लिए बुलाता है, क्योंकि गांव देहात में तो आज भी बोला जाता है ना, बहू दलित की बहू सबकी बहू, उसी तहत वो कहता है। लेकिन ये देखने की जरूरत है कि हम हमारा जो अपना समाज है, जिस आजादी की हम बात करते हैं, जिन अधिकारों की हम बात करते हैं, जिस शोषण मुक्ति की हम बात करते हैं, उस शोषण मुक्ति में हम महिलाएं कहां आती हैं? यही सवाल था कि जब कोई भी हमारा जो समाज, जो हमारे जो समुदाय बने हुए हैं, चाहे वह जाटर समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, वाल्मीकि भी अगर बात करता है तो वाल्मीकि महिला की बात नहीं करता। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जो कम्युनिटी है, जो अपनी जो दलित समाज की कम्युनिटी है, वो जब जब दूसरे के घरों में काम करती हैं या महिला उठाने का काम करती हैं, तो उसमें महिला ज्यादा शोषित होती हैं। वो ना सिर्फ जाति के आधार पे होती हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिकली आधार पे होती हैं, ना सिर्फ सिर्फ एक जो एक हायरार्की जो सिस्टम आता जा रहा है, फेडरल सिस्टम जिसको पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे, ना सिर्फ उसके तहत आती हैं, बल्कि उनसे भी और दलितों में भी दलित महिला आती है। एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं कहूंगी, अभी पिछले दिनों व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत फैला है, अगर क्योंकि आज मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, एक बात दूर दूर तक पहुंच जाती है। एक एक पुरुष एक महिला को हर दिन पीटता था, अप्रकाश की महिला थी वो, हर दिन उसको रामचरितमानस का जो जो सोकार जो श्लोक है, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकार, उस सुबह से हम उसको यही बोलता था। उसने यही चर्चा अपनी बहन से की, जो अपनी सहेली थी, कि मुझे ऐसे ऐसे बोलता, उसने कहा कि इसको पलट दो, इसको ऐसे बनाओ, उसको जब वो तुम्हें गए तो उलट के तुम ये जवाब दो, ढोल गवार पशु शूद्र घोड़ा, ढोल गवार पशु शूद्र घोड़ा, जितना पीटो उतना थोड़ा। उसने ये स्टेटमेंट बदल दी। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि हम महिलाएं भी, मैं एकदम पूरे समाज की महिलाओं की बात कर रही हूँ, सिर्फ दलित महिला नहीं, और महिला तो दलित भी है, और क्योंकि वो अपने आप को दलित नहीं मानती, तो दलितों में जो महिलाओं की स्थिति है वो और ज्यादा शोषित है, ये मैंने पहले कहा। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे कमजोर तबके हैं, उन कमजोर तबकों में अभी तक साझा लड़ाई नहीं लड़ी गई, और जब तक एक शोषित वर्ग दूसरे शोषित वर्ग के साथ कंधे से कंधे मिला के काम नहीं करेगा, वो एकता की बात नहीं कर सकता, जब तक वो आजादी की मांग भी नहीं कर सकता, वो अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता, वो अपनी शोषण मुक्ति की बात नहीं कर सकता, वो सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं मान सकता, जब तक ये सारे के सारे तबके एक नहीं होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये बन जाता है कि हमारे जितने भी संत महात्मा हुए, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया, उनको हम एक मंदिर में बिठा के पूजा करने में लगे हुए हैं, पूजना चाहते हैं। और ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग सिद्धांत है कि अगर किसी की विचारधारा को खत्म करना हो तो उसको भगवान का दर्जा दे, भगवान का दर्जा जब आपने दिया तो उसकी सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक महिला जो हमारे समाज में स्ट्रगल करके आगे आती है, माफ करना आप अदरवाइज ना लें, उसको देवी बना दीजिए, सारे सोल्यूशन खत्म। अभी पिछले दिनों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिजर्वेशन की बात चल रही है हरियाणा, मतलब भारत में वुमेन रिजर्वेशन।